तब जी विधायक भी थे और क्षेत्र के प्रति, पार्टी के प्रति समर्पित थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, दिल्ली में इलाज भी उनका हुआ, लेकिन अचानक और बहुत दुखद ये खबर मुझे आज सुबह मिली। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ उनके क्षेत्र का, मेवाड़ का, राजस्थान का और पार्टी का, लेकिन मुझे व्यक्तिगत बहुत क्षति आज पहुंची है। उनका साथ, उनका सहयोग हमेशा हम सबको मिला और एक कर्मठ जुझारू विधायक रहे, उनके स्वर के पिताजी प्रदेश में मंत्री रहे, बहुत सालों तक योगदान दिया और उन्होंने भी अपने क्षेत्र के देखभाल में पार्टी के प्रति काम करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। और बहुत कम उम्र में उनका इस प्रकार स्वर्गवास होना, स्वर्गवासी होना हम सबके लिए बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार को, क्षेत्रवासियों को मैं सांत्वना देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि उस परिवार से बहुत पुराना लगाव मेरा व्यक्तिगत था, उनके जाने से हम सबको दुख भी है, क्षति भी है और उनकी कमी हमेशा हमको महसूस होती रहेगी। सर, किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसान उग्र होते जा रहे हैं, कोर्ट से स्टे भी लगा, लेकिन किसान कोई किसान उग्र नहीं हो रहा है। किसान संयम से दो महीने से इस कड़ाके की ठंड में अपनी बातों को मनवाने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं। लगातार उनको बार बार वार्ता के लिए बुलाया जाता है और एक तरह से उनको थकाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसान संगठन और किसान उस समिति के गठन से संतुष्ट नहीं है, इस बात को उन्होंने कई मरतबा कहा है। हम इतना चाहते हैं कि जो किसान की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अनेकों लोगों की जान चली गई। किसान अपना घर बार छोड़कर इस ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सरहद पर दो महीने से बैठे और लगातार वार्ता की चर्चा हो रही है लेकिन निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कल बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की मांग के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस मुझे लगता है कि सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। जब इतने संगठन, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़, देश भर के किसान आंदोलित हैं और सिर्फ कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जिद छोड़कर कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि इन कानूनों का निर्माण जो हुआ था वो बिना किसी की सलाह से हुआ, ना किसानों से, ना राज्य सरकारों से। और आज जब सब जानते हैं कि किसान का भविष्य संकट में है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। सर, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बना दिया जिसको सैटेलाइट से देखा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है चीन की तरफ से। कल बहुत स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी जी ने इस बात का उल्लेख किया, जब प्रमाण मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आकर सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हमारी सीमाओं पर कोई किसी अन्य देश की सेना क्या आ गई है, कुछ लोग हमारी भूमि को अधिकृत कर रहे हैं या कर चुके हैं। जब प्रमाण आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, तो सरकार को मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारी अखंडता है, उस पर अगर प्रश्नचिन्ह लगते हैं तो राजनीति ना करते हुए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा। अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए। सर, फिल्म तांडव को लेकर के बहुत सारी बयानबाजी हो रही है राजनीतिक कैरियरों में, तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, मेरे को उसके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। क्या राहुल गांधी भी सर किसानों के बीच पहुँचेंगे शाहजहाँपुर बॉर्डर, क्योंकि लगातार बहुत से कांग्रेसी नेता भी पहुँचे। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब पिछले साल फरवरी में ये कहा था कि देश में कोरोना फैलने वाला है, तब केंद्र सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम ये निकला कि हज़ारों लोग यहाँ उनकी मौत हो गई, संक्रमण फैल गया। और जब कानून लागू हुआ था, तब पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसदों ने कहा कि बिना चर्चा के पारित मत करिएगा। उस समय राहुल गांधी ने सचेत किया था, पंजाब में किसान यात्रा निकाली थी। सभी मांगों का हम समर्थन करते हैं और राहुल गांधी जी ने किसानों की बात को शुरू से, पहले दिन से रखा है, सदन के अंदर, सड़कों पे, हर आंदोलनकारी को उन्होंने सहयोग और समर्थन, सहानुभूति दी है। हमारे खुद सांसद कई हफ्तों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं,
लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ना तो किसी की सुनने को तैयार है, ना सार्थक चर्चा करने को तैयार है। अपनी जिद और अड़ियल रवैये से ये लोग बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ये तीनों कानून जल्दबाजी में बने और ज़बरदस्ती से बने। अब ज़बरदस्ती से संसद नहीं चलती है, ज़बरदस्ती से लोकतंत्र नहीं चलता। किसानों की अगर मांग है तो उसको सुनकर उस पर पालन करना चाहिए। संशोधन के लिए तैयार हैं, 18 में से 15 मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे आप। क्या व्यवस्था है, किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या किसानों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? और जो आरोप लग रहे हैं किसानों के ऊपर, अलगाववादी हैं, नक्सलवादी हैं, तरह तरह के, ये अन्नदाता का अपमान है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि उन्हीं के तरफ से, उन्हीं के दल और सहयोगी लोग जो किसानों को अपशब्द बोल रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, क्या सरकार केंद्र की उन बातों से सहमत है? क्योंकि रक्षा मंत्री बोलते हैं कि मैं उनका अपमान सहन नहीं करूँगा, फिर उनको आप अलगाववादी, आतंकवादी, देशद्रोही बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अस्वीकार्य है सबको।